बहुचर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने आज नलिया कोर्ट में रजू करवामां आवशे। कच्छनी जे नलिया कोर्ट छे तेनी अंदर बहारना आप दृश्य जोई शको छो कि जे रीते सप्टेम्बर 2022 नी अंदर एक ड्रग्सनू आखो जे मोटो कंसाइनमेंट छे 40 केजी नो 200 करोड़ जेनी मार्केट वेल्यू छे ते जखूना दरियाई विस्तारमांथी झड़पायुं हतुं। तेनी अंदर 6 जे पाकिस्तानी जे ड्रग्स माफियाओ छे तेनी धरपकड़ करवामां आवी हती अने त्यारबाद तेनी अंदरथी कथरपुरा जे जेल छे पंजाबनी अंदर तेमा एक नाइजीरियन व्यक्तिनी जे भूमिका छे ते सामे आवी हती अने तेनी तपास करता तेनी अंदर लॉरेंस बिश्नोईनुं नाम सामे आव्युं हतुं। त्यारबाद गुजरात एटीएसए आ केसनी अंदर लॉरेंस बिश्नोईना ट्रांजिट जे रिमांड छे तेनी मांगणी करी हती। गईकाले लॉरेंस बिश्नोईना ट्रांजिट रिमांड छे ते पटियाला हाउस कोर्टे गुजरात एटीएसए ने आप्या छे। आजे गईकाल रात्रे मोड़ी रात्रे दिल्ली एरपोर्टमां हवाई मार्गेथी चेतक कमांडोनी सिक्योरिटीनी वच्चे हाई एकदम सिक्योरिटीनी वच्चे तेने गुजरात लावामां आव्यो छे। गुजरातनी अंदर ते अत्यारे नलिया कोर्टमां थोड़ीक क्षणोनी अंदर ज तेने रजू करवामां आवशे। त्यारबाद केटला दिवसना रिमांडनी मांगणी करे छे महत्तम दिवसोनी रिमांडनी मांगणी गुजरात एटीएस करशे कारण के आ केसनी अंदर लॉरेंस बिश्नोई साथे अन्य लोकोनी पण भूमिका होय तेवी एटीएसने शंका छे। जेना आधारे आजे नलिया कोर्टमां जज सामे तेने पेशी हशे अने त्यारबाद કેટલા દિવસના રિમાન્ડ મળે છે તે જોવું રહ્યું। પરંતુ અત્યારે આ કોર્ટ બહારના દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે સાથે જ જે તેને હાઈ સિક્યુરિટીની વચ્ચે જ લાવવામાં આવી રહ્યો છે કારણ કે તે ઇન્ડિયાનો સૌથી કુખાર ગેંગસ્ટર પૈકીનો એક છે અને અને અનેક ગુનાઓ આચરેલા છે સાથે જ સેલિબ્રિટી જેવા લોકોને પણ તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ હોય કે તે આપેલી છે સાથે જ લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સદસ્ય છે તેને લઈને પણ આ કેસની અંદર કોણ કોણ સંડોવાયેલું છે તે તપાસમાં ગુજરાત એટીએસની સામે આવી શકે છે। કૌશિક કાંટેચા, ગુજરાત તક, કચ્છ।